दोस्तों जिस बस में मैं सफ़र कर रहा हूँ ये है इंडो कैनेडियन स्नो रीजन बस। दोस्तों इस वीडियो में इसी बस की डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसी ये बस है और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों चलिए बस के अंदर कैबिन में चलता हूँ। तो ये है दोस्तों एक सिंगल कैबिन, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दोस्तों एक ब्लैंकेट मिला है, ये देखिए दोस्तों ब्लैंकेट। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये रिमोट है और ये मेरे सामने है एक LCD। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये LCD मैं यहाँ चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये एक रिमोट है जिसके थ्रू ये LCD चलेगी। दोस्तों सामने आप LCD देख सकते हैं, जो क्वालिटी है दोस्तों जो LCD की, जो आपको थोड़ा साइड में भी देख लीजिए पहले। ये देखिए दोस्तों ये साइड में जो है ग्लास दिया गया है आपको, तो आप देख सकते हैं थोड़ा बारिश का मौसम था तो ग्लास इस तरीके से ब्लर हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों ये एक पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट है, और उसके ऊपर एक हेडफोन जैक है जिससे आप LCD में जो भी होगा उसमें सुनेंगे। दोस्तों साइड में फ़ोन रखने की जगह भी है लेकिन इसमें बड़ा फ़ोन नहीं आ पाता है दोस्तों। और मैं आपको दोस्तों यहाँ थोड़ी चीज़ दिखाऊँ, ये एक ऊपर LED दी है और दोस्तों दो LEDs आपको इस कैबिन में मिल जाएंगी। तो यहाँ दोस्तों सबसे सामने मेरे पास है एक LCD। दोस्तों जब मैं रिमोट की बात करूँ तो रिमोट काफ़ी पास लेना पड़ता है इसको चलाने के लिए, दूर से ये रिमोट काम नहीं करता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो LCD है उसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ काम नहीं कर पा रहा रिमोट, अब ये काम किया है, थोड़ा मैंने हाथ आगे किया है। ये दोस्तों एक काफ़ी दिक्कत वाली बात है इस चीज़ में। तो इस जो दोस्तों ये गोला आप छोटा सा देख रहे हैं, यहाँ पे आपके रिमोट का कनेक्शन पहुँचना चाहिए। और दोस्तों जो कंटेंट की बात करें, इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी दोस्तों काफ़ी बेकार सा कंटेंट है। कुछ गाने हैं दोस्तों, 10-12 गाने हैं जो कि मेरे किसी काम के नहीं हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप जब ऊपर LCD को देखेंगे तो LCD कुछ ब्लिंक कर रही है, आप देखिए यहाँ पर। और दोस्तों ऊपर एक आपको एक ग्रीन रंग की, दोस्तों ब्लू रंग की एक पट्टी भी आपको ऊपर दिख जाएगी LCD पर, जो कि ये बताती है कि काफ़ी इन्फीरियर क्वालिटी, ये TFT जो LCD है काफ़ी इन्फीरियर क्वालिटी की है। और दोस्तों ये आपके आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये देखिए दोस्तों ये ब्लू रंग की जो पट्टी आगे ऊपर दिख रही है, दोस्तों मैं बता दूं जो क्वालिटी वाइज है ये काफ़ी लो क्वालिटी है और आपकी आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ये LCD। अगर आप ये सोच रहे हैं आप LCD के पूरे मजे लेंगे तो दोस्तों ये आपकी एक गलत फैमिली होगी। दोस्तों ये मैं रिमोट की बात करूं तो काफ़ी दिक्कत के बाद ये रिमोट यहाँ से चलता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आपको बटन दबाने पड़ेंगे। और दोस्तों जो रिस्पॉन्स है इसका वो काफ़ी लेट है दोस्तों, काफ़ी आगे जाके आपको ये बटन दबाने पड़ते हैं और ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है दोस्तों। और मैं आपको जहाँ पर चीज़ें दिखाऊँ यहाँ पर थोड़ा सा LCD के बारे में, तो यहाँ मैं एक आपको कुछ, ये जो दोस्तों आपको आगे ऊपर बॉक्सेस दिख रहे हैं ये दोस्तों MP4 सॉन्ग्स हैं दोस्तों, कुछ पंजाबी सॉन्ग्स हैं, जैसे जो भी दोस्तों हम पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं। कुछ दोस्तों इसमें काफ़ी बेकार से सॉन्ग है जो मैंने आज तक नहीं सुने, पर अब मैं दोस्तों क्यों सुनूँ। ये दोस्तों मैंने एक सॉन्ग लगाया है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ये एक मैंने सॉन्ग लगा के आपको दिखा दिया है। तो ये सॉन्ग भी एक इसमें था जो कि मुझे थोड़ा ठीक लगा, चलो ठीक है काफ़ी पुराना है बट ठीक सॉन्ग है। तो अब दोस्तों मैं साउंड क्वालिटी की दोस्तों यहाँ बात करूँ तो जो साउंड क्वालिटी है हेडफोन जैक की दोस्तों वो बहुत ही बेकार है, ऐसा लगता है दोस्तों कि किसी बेकार जगह से साउंड आ रही है और वो आपके कानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ, आपके जो हेयरिंग है उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों। कैबिन स्पेस भी आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने अपने दो बैग्स यहाँ रखे हैं और आगे आपको दो यहाँ पर, ये देखिए ये काफ़ी गंदे हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ रखने की जगह तो है ये, बट ये काफ़ी गंदे हो चुके हैं, उसमें कुछ नहीं अपना डाल सकते दोस्तों। यहाँ पे बात करें यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट की और ये हेडफोन जैक की, क्वालिटी बेकार है हेडफोन जैक की। तो आप कोई भी हेडफोन ले आए दोस्तों, अपने कितने भी अच्छे हैं बट आपको क्वालिटी बेकार लगेगी। ये दोस्तों एक पिल्लो है जो मुझे मिला है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं काफ़ी गंदा सा पिल्लो है और काफ़ी नरम है, नरम भी नहीं कहूँगा दोस्तों, भी बेकार सा पिल्लो है बट काम चलाऊ है, ठीक है सफ़र में काम चलाऊ है। और दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट की, और दोस्तों जब मैंने यहाँ पे चार्जर अपना फिट किया, ये मेरा सैमसंग का चार्जर है, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से वो चार्जर हिल रहा था। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ कैबिन है, जो ड्राइवर कैबिन है, यहाँ पे ड्राइवर चलाता है। ये दोस्तों बॉटल है जो दोस्तों मैं यहाँ पे दी है, लगभग 10 रुपये की कीमत है, 500 ml की ये बॉटल है। और ये पतंजलि की बॉटल है दोस्तों, आप देख सकते हैं वाटर बॉटल पतंजलि की, तो काफ़ी ये मुझे अच्छी चीज़ लगी कि काफ़ी अच्छी है ये बॉटल, तो ऐसी बात नहीं है, क्वालिटी वाइज अच्छा है ये पानी। तो दिव्या जल है, देख सकते हैं इसका नाम दिव्या जल। तो दोस्तों पानी की बॉटल भी यहाँ मुझे मिल गई जैसा कि कहा था। तो दोस्तों मैं टिकट की बात करूं, जो मैंने टिकट बुक की थी वो मैंने MMT से बुक की थी और वहाँ पे साफ लिखा गया था कि आपको एक बॉटल मिलेगी, ब्लैंकेट मिलेगा, LCD मिलेगी। तो दोस्तों वो सब कुछ इस बस में मिला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो ग्लास विंडो से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त, दोस्तों जो एरिया जहाँ पर हम पहुँचे हैं वो हरियाणा है और आप देख सकते हैं साइड में। और दोस्तों अब मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपको LCD का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा मिलेगा, तो इतना अच्छा यहाँ पे LCD का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दूं। और दोस्तों मैं बात करूँ कंफर्ट्स की और कैबिन की, तो दोस्तों कैबिन और कम्फर्ट दोनों ही अच्छे हैं। ये देखिए दोस्तों ऊपर आपको एक CCTV कैमरा और एक क्लॉक भी मिल जाएगी। तो ये दोस्तों मेरे से जो ऊपर वाला जो कैबिन था वो भी देख सकते हैं, वहाँ की जो LCD है वो भी ऐसी ही बेकार सी ही है, TFT LCD है दोस्तों, तो बेकार ही होगी आंखों के लिए दोस्तों, बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। और दोस्तों बात करें कि यहाँ मुझे कहीं भी कोई पोर्ट नहीं दिखा जहाँ पे मैं अपनी पेन ड्राइव डाल के चीज़ें देख सकूँ। ये दोस्तों कुछ बस की इंटरनल व्यू है जो मैंने आपको दिखा दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको अंदर फिर से दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देखिए दोस्तों LCD को छोड़कर बाकी सब चीज़ें दोस्तों अच्छी थी। यहाँ पे जो गाड़ी है दोस्तों वो टाइम पे निकली और टाइम पर ही पहुँची। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
दोस्तों बात करें मेरे सफ़र की, तो मेरा सफ़र कैसा रहा? मेरा सफ़र दोस्तों ठीक ठाक था। अगर दोस्तों आप सोने के लिए दोस्तों इस गाड़ी में आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी आइए काफ़ी मज़ेदार रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इसलिए आ रहे हैं ना कि LCD है इसमें, LCD के मज़े लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि बहुत ही बेकार रहेगा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि LCD और ये बाकी चीज़ें बस दिखावे की हैं, किसी काम की नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों सामने मैंने कुछ यहाँ पर फोटोज़ भी लिए हैं बस के, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों बस का कलर की बात करूँ दोस्तों, रेड रंग की बस थी। और दोस्तों बस के नंबर की बात करें दोस्तों, HR हरियाणा नंबर की ये बस थी, दिल्ली टू जम्मू दोस्तों ये बस चलती है, और जम्मू से दिल्ली दोस्तों ये इसका रूट है। और दोस्तों जिस ढाबे के पास रुकी दोस्तों, वो ढाबा भी ठीक था, थोड़ा सा दोस्तों महंगा था, 20 रुपये की दोस्तों चाय की कप थी। और दोस्तों जो कॉफ़ी का कप था वो थोड़ा 40 रुपये का था। मैंने मीनू भी दोस्तों इस फोटोज़ में डाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं खुद ही। और दोस्तों बात करें कि आप इसको बस को लेना चाहिए या नहीं, मैं कहूँगा दोस्तों अगर आपको दोस्तों सस्ते रेट में अगर ये मिल जाए तो दोस्तों आप ले सकते हैं, क्योंकि जो बस का सस्पेंशन है वो भी अच्छा था, ऐसी कोई खड्डे वड्डे वाली बात, ज़्यादा झटकों वाली बात यहाँ पर नहीं थी। और दोस्तों अब मैं आगे बात करता हूँ दोस्तों खाने पीने की बात करता हूँ। तो दोस्तों खाने पीने की बात करें तो जिस ढाबे के पास रुकी तो दोस्तों काफ़ी हाई रेट थे इसके, 20 रुपये की चाय और दोस्तों 50 रुपये की कॉफ़ी थी। और यहाँ आप मेनू भी देख सकते हैं किस किस से आइटम का क्या क्या रेट है। और दोस्तों मैं बात करूँगी कि क्या आपको ये सफ़र करना चाहिए, तो दोस्तों अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि सस्ते में दोस्तों अगर आपको ये बस मिल जाती है तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि 5-6 जगह दोस्तों आप अप्लाई करके देख लें, पेटीएम पे देखें, और भी दोस्तों जितनी भी ऐप्स हैं दोस्तों उस पर आप देख सकते हैं, और दोस्तों जो सबसे सस्ती लगे उसी पर ही आप बुकिंग करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे नीचे कमेंट्स में। और दोस्तों क्या आप भी इंडो कैनेडियन स्नो रीजन ट्रैवलर्स पर सफ़र करना चाहते हैं, इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों ये आपको कैसा लगा कि मैंने आपको सफ़र से पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।